हक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। हाँ, इम्तियाज जलील साहब को आप लोग क्रेडिट नहीं दे रहे, आप लोग तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे इम्तियाज जलील को। हाँ, इंसा के लिए दे दो कम से कम। चलो, अगर वो मंदिर में जाकर नहीं बैठती इम्तियाज जलील तो क्या होता था वहां पर? 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे मंदिर के, पूरे क्राउड को भगाए वहां से। खुद पुलिस के लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे बात को कि इम्तियाज जलील अगर नहीं होते तो वहां पर हिंसा हो जाती, वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ होती। आप लोग सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज को और सेंसेशनलाइज करने की स्टोरीज कैरी करते, इम्तियाज जलील पे करिए ना आप लोग। मेरे ख्याल से खाली एक हमारे इंडिया टीवी ने इम्तियाज जलील को बुलाकर उनको सराहाया, उनकी मेहनत को इंडिया टीवी बुलाए, वेरी गुड, शुक्रिया आपका। आपके ही बहादुरी के, उन्होंने जर्नलिस्ट थे उन्होंने 25-20 साल के, और फिर वहाँ पे अरेस्टिंग हो रही, वो अरेस्टिंग को गलत लोगों के अरेस्टिंग नहीं होना, और उस जिन गलत बच्चों का अरेस्टिंग किया जा रहा है वहाँ पर हमारी मुकामी यूनिट ने वहाँ पे लीगल एड फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतने स्पीचेस हुए वहाँ पर, 50 लव जिहाद के ऊपर, सोकॉल्ड लव जिहाद पर भाषणें हुई, रोकते नहीं है सर महाराष्ट्र की सरकार। और वहाँ के मुख्यमंत्री उनको अरेस्ट कराते हैं जो उनको पर्सनली कोई उनके घर में ब्लैकमेल कर रहा था। अरे भाई, ये लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं, जिनके आपके मंत्री बैठे हुए हैं उसमें, उन तमाम सभाओं में, डिजाइनर को आप कहते हैं वो डिजाइनर नहीं है, मगर ये तो आपके डिजाइनर है ना। ये जो लव जिहाद पे जो 50 मीटिंग कराई जिसमें 71 गालियां दी गई मुसलमानों को, इस्लाम को, क्या क्या नहीं बोला गया, ये आपको अरेस्ट ही नहीं करते। अरेस्ट करिए ना, जैसा आपने उसको अरेस्ट कराया वो डिजाइनर को, इसको भी कराइए। ये असल डिजाइनर आपके हैं, ये हैंडमेड है आपके ये लोग।